नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 फरवरी 2019 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। नज़र डाल लेते हैं कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने निर्णय लिया है और रेपो रेट को 0.25% से कम कर दिया है। रीज़न इसका ये है, इन्फ्लेशन पिछले कुछ समय में स्लो डाउन हुई है, इसलिए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की आवश्यकता थी। नहीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये, नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल यूएसए की राजनीति से संबंधित है, नहीं इंपॉर्टेंट, नहीं डिस्कस करेंगे। बीच में ये बड़ा आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इन इंडेक्सेज में इंडिया की परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे ये आर्टिकल, अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस में ईरान के रोल क्या है, किस प्रकार से ईरान एक अहम भूमिका निभा सकता है अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने में, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे डिस्कस करेंगे। दूसरे पेज पे ये आर्टिकल है, जो स्कीम अभी फिलहाल इस बजट में अनाउंस की गई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, 6,000 रुपये दिए जाएंगे किसानों को हर एक साल, सिर्फ उन किसानों को जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती करते हैं। क्या इस स्कीम से फ़ायदा होगा किसानों को या फिर नहीं होगा, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस में इंडिया की परफॉर्मेंस किस प्रकार की रही है पिछले कुछ सालों में। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कौन से 3 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की हम बात करेंगे? हम बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की। इन तीनों इंडेक्सेस में इंडिया ने कैसे परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में। ये 3 जो इंडेक्स हैं वो अलग अलग स्फीयर में विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। हालांकि ये जो 3 इंडेक्स हैं वो ये तो नहीं बताते कि किस देश ने कितना अटेन किया है इस क्षेत्र में। फॉर एग्जांपल, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ऐसा कुछ नहीं बताता कि किसी देश ने कितना कुछ अचीव किया है इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के क्षेत्र में, लेकिन ये जरूर बताता है बाकी देशों की अपेक्षाकृत उस देश ने कितना अच्छा किया है या फिर कितना बुरा किया है इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की दिशा में। सबसे पहले हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स देखो ये एनालाइज करता है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का, गवर्नमेंट के कानूनों का क्या असर पड़ता है बिजनेस को चलाने में। क्या गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज़्यादा डिफिकल्ट हैं कि बिजनेस को चलाना मुश्किल हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें, बिजनेस को ओपन करना कितना आसान है, क्या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, लेबर मार्केट में रेगुलेशंस कैसा है गवर्नमेंट का, कंस्ट्रक्शन परमिट्स से किस प्रकार से डील किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना कितना ज़्यादा आसान है या फिर मुश्किल है, प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना कितना आसान है या मुश्किल है, ये सब चीज़ें आती हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। इन चीज़ों को ध्यान में रख के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में विभिन्न देशों को रैंकिंग दी जाती है, किस देश में बिजनेस चलाना आसान है और किस देश में बिजनेस चलाना मुश्किल है। अगर हम इंडिया के संदर्भ में बात करें, इंडिया ने देखो पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। हमारी रैंकिंग 2016 में थी 130, 2017 में हुई 100 और 2018 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग आ गई है 77। तो इसका तो देखो स्वागत होना चाहिए, क्योंकि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग अच्छी हुई है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ज़्यादा आएगी, एंटरप्रेन्योरशिप और ज़्यादा प्रमोट होगी, रोजगार के और ज़्यादा अवसर पैदा होंगे। तो ये जो इम्प्रूवमेंट हुई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन देखो काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का। जैसे एक क्रिटिसिज्म ये होता है, सैम्पल साइज काफ़ी छोटा होता है जिसके बेस पे ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। कुछ ही शहरों में कुछ ही डेटा के आधार पर ये इंडेक्स पब्लिश कर दिया जाता है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये होता है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंसिडर किया जाता है लेकिन ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन क्या है ये नहीं देखा जाता। फॉर एग्जाम्पल, भारत में सरकार ने ये कह दिया, सभी अथॉरिटीज को आदेश दे दिया 10 दिनों के अंदर अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देना अनिवार्य है अगर कोई बिजनेस फर्म इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मांगती है। अब देखो रूल तो आ गया लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसे अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अथॉरिटीज अभी भी डिले करती हैं, 10 दिन के बजाय 25 दिन लगते हैं, 30 दिन लगते हैं, तो फिर क्या फायदा उस चीज का। कहने का एसेंस ये हुआ, आप ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन भी देखिए, आप सिर्फ ये मत देखिए कि गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर दिया तो इसका मतलब वो चीज इंप्लीमेंट भी हो रही है।
इवन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ये तो कंसिडर करता है कि गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी का या फिर वाटर का कनेक्शन लेना कितना आसान है, लेकिन ये नहीं कंसिडर करता इलेक्शन आसानी से मिल भी गया तो क्या इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, क्या पानी आ रहा है रेगुलरली, क्या वेस्ट का मैनेजमेंट ठीक से हो रहा है। इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के द्वारा। और कुछ एक्सपर्ट्स ये आरोप लगाते हैं कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है जो कंसिडर की जाती हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पब्लिश करने में। यानी कहने का एसेंस ये हुआ गवर्नमेंट को पता है कि इन चीज़ों को सिर्फ हम इम्प्रूव करेंगे तो हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन वाइड स्प्रेड रिफॉर्म हमारे देश में नहीं आए हैं। एक टेलर्ड अप्रोच अपनाई गई है सिर्फ और सिर्फ अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने के लिए, लेकिन अच्छी रैंकिंग जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, अच्छी रैंकिंग ये रिप्रेजेंट करती है ना वास्तव में इंडिया में बिजनेस करना आसान हुआ है। वास्तव में बिजनेस करना इंडिया में आसान नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करके अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर ली गई है। तो इस प्रकार से हमने बात की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संदर्भ में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ सालों में, लेकिन पहले हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। आर्टिकल में कहा जाता है, ये देखो इंडिया और पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट का एक रेयर कोलैबोरेशन है। इसे इंडिया के इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महमूद अल हक ने डिवाइस किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। कौन कौन से इंडिकेटर्स के आधार पर यह इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, मेनली देखो तीन डायमेंशंस को कंसिडर किया जाता है इस इंडेक्स को पब्लिश करते वक्त। सबसे पहले लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है, मतलब एवरेज तौर पर ह्यूमन बीइंग कितने साल जिएगा उस देश में। दूसरे नंबर पे नॉलेज, नॉलेज में देखो एक तो ये देखा जाता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी है, और दूसरा ये भी देखा जाता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी है। तीसरे नंबर पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये देखा जाता है ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितनी है। तो इन तीन इंडिकेटर्स के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, लेकिन इस इंडेक्स के भी देखो अपने ही क्रिटिसिज्म हैं। पहला क्रिटिसिज्म, ये तीन चीज़ें देखो आपस में कंपेरेटेबल नहीं हैं। इनकम को आप एजुकेशन से और लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते, तो तीनों चीज़ें आपस में कंपेरेटेबल नहीं है, ये पहला क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्रिटिसिज्म इस इंडेक्स का ये होता है, ये इंडेक्स देखो क्वांटिटी पे फोकस करता है, क्वालिटी पे फोकस नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर देखो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ज़्यादा है तो उस देश की रैंकिंग ज़्यादा आ सकती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, लेकिन ये इंडेक्स इस बात पर फोकस नहीं करता स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो उसमें क्वालिटी भी है या फिर नहीं है, तो क्वालिटी पर फोकस नहीं किया जाता इस इंडेक्स में, ये दूसरा क्रिटिसिज्म है। तीसरा क्रिटिसिज्म, देखो इनकम, अच्छी हेल्थ, नॉलेज, ये सब चीज़ें जो हैं वो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, और इसके लिए फॉर एग्जांपल भूटान ने एक अलग से इंडेक्स पब्लिश करना भी स्टार्ट किया था ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ये हमने बात की क्रिटिसिज्म की। अब बात करते हैं इंडिया की रैंकिंग की। देखो क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, लेकिन इंडिया की रैंकिंग तो फिर भी खराब की खराब ही है पिछले कुछ सालों में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। 2014 में इंडिया की रैंकिंग थी 130 और 2018 में भी हम स्केयर वन की पोजीशन पे हैं, यानी जहां से चले थे वहीं हैं, अभी भी हमारी रैंकिंग है 130। तो ये काफ़ी चिंतनीय बात है कि हमारी रैंकिंग इंप्रूव नहीं हो पा रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। रीजंस इसके काफ़ी हैं, फॉर एग्जांपल जेंडर डिस्पैरिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में, इनइक्वालिटीज़ यानी असमानताएँ बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो अच्छी हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है, खर्च पर ज़्यादा फोकस किया जाता है ना कि आउटकम पर। सिर्फ एक्सपेंडिचर के बजाय आउटकम पे फोकस करना चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज से ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन में कितनी तब्दीली आई है। और सबसे लास्ट में हेल्थ, एजुकेशन, इन सेक्टर्स में गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो बाकी देशों के अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। कल ही हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट को अपनी GDP का 2.5% खर्च करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, जिसका सीधा सीधा असर ये देखने को मिल रहा है HDI इंडेक्स में हमारी रैंकिंग ज्यों की त्यों बरकरार है। तो इस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के बाद
अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले कुछ सालों में। देखो, ये जो इंडेक्स है वो येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर पब्लिश किया जाता है और विभिन्न कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है कई सारी कैटेगरीज में 24 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के आधार पर। हम बात करें इस इंडेक्स में इंडिया की कैसी परफॉर्मेंस रही है, बहुत ही ज़्यादा बुरी। 2014 में इंडिया की परफॉर्मेंस थी, इंडिया की रैंक थी 155 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, यानी 155 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ये इंडिया की रैंक थी 2014 में। लेकिन 2018 में इंडिया की रैंक हो गई 177 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। सिर्फ तीन ही देश हमसे पीछे हैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अब क्वेश्चन ये उठता है, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया की रैंक इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इसके देखो काफ़ी सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है, पिछले कुछ सालों में इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा लिबरल बना दिया गया है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलना पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान हो गया है। दूसरे देशों के अपेक्षाकृत अभी भी हम ट्रेडिशनल एनर्जी पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तीसरा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका बार बार वायलेशन होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में जो कुछ भी लिखा गया है उसे फॉलो नहीं किया जाता है। वेस्ट को ट्रीट करने की हमारी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। एयर क्वालिटी कितनी ज़्यादा ख़राब है उसका देखो सबसे बड़ा सबूत ये है, सर्दियों के मौसम में कैसे NCR में धुएं का एक बादल इमर्ज होकर आता है जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और हाल ही में गवर्नमेंट ने जो कोस्टल रेगुलेशन रूल्स लाए 2018 के, उन रूल्स के बाद तो हमारी रैंकिंग अच्छे होने की उम्मीद नहीं है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो इस प्रकार से हमने तीनों इंडेक्स को एक एक करके डिस्कस किया। देखो, अलग अलग क्वेश्चन UPSC पूछ सकती है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों इंडेक्स को एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन पूछेगी। ये पूछ सकती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंकिंग कम होने के क्या कारण हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि वैसे तो हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है इस इंडेक्स में, लेकिन ये इंडेक्स जो है वो क्रिटिसिज्म से अछूता नहीं है, तो आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हो। और इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में भी UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है। एक क्वेश्चन अभी आप अटेम्प्ट कीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुद्दे पर। क्वेश्चन है, हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेटेड, व्हाई इज इंडिया नॉट इम्प्रूविंग इट्स रैंक इन दिस इंडेक्स। एग्जामिन करना है कैसे इस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, आप तीन डायमेंशंस के बारे में बताओगे, और इंडिया की रैंकिंग क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही है इस इंडेक्स में, आपको रीजंस को एग्जामिन करना है। 250 शब्दों में आप इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एग्रीकल्चर से संबंधित है। टॉपिक का नाम है, गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम चलाई है प्रधानमंत्री किसान, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जिसमें वो किसान जो 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन पर खेती करते हैं उनको एक साल में डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाएगा 6,000 रुपये का। 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाएगा उन किसानों को। आप GS Paper 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। टॉपिक का नाम है, क्या इससे किसानों को फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले हम व्यू जानते हैं आशीष भूटानी का। इनका कहना है, इस स्कीम से किसानों को निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। देखो, स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स होते हैं उनको ज़्यादा इनकम सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और जो बड़े किसान हैं उनको उतना ज़्यादा इनकम सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी सारा जो पैसा आएगा इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। और एक स्पेशली पोर्टल भी लॉन्च किया जा चुका है इस स्कीम को मैनेज करने के लिए। पोर्टल का नाम है PM Kisan.NIC.in। स्टेट को बोला गया है कि आप बेनिफिशरीज का डेटा अपलोड कीजिए इस पोर्टल पे, और जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा फंड रिलीज किया जाएगा 48 घंटों के अंदर अंदर डायरेक्टली पैसा पहुंच जाएगा बेनिफिशरीज के बैंक खाते में। इसके अलावा पिछले साल बजट 2018-2019 में सरकार के द्वारा ये अनाउंस किया गया था, नोटिफाइड फसलों का जो MSP है वो लागत का 1.5 टाइम्स होगा, और ये इंश्योर करने के लिए एक अलग से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान भी चलाया गया था। ये भी काइंड ऑफ स्कीम है ये इंश्योर करने के लिए, ताकि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिले। नेक्स्ट, दालें और ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए भी सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं।
इसके अलावा 2016 में सरकार ने स्कीम चलाई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ताकि किसानों की फसल किसी कारणवश खराब हो जाती है, उन्हें नुकसान होता है तो उन्हें इसका प्रॉपर मुआवजा मिले, तो ये एक इंश्योरेंस कवर था। तो इन सब स्कीम्स के साथ अगर आप प्रधानमंत्री किसान स्कीम को जोड़ के देखोगे तो आपको प्रधानमंत्री किसान स्कीम की इम्पोर्टेंस का पता लग जाएगा। वैसे देखो सरकार ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए हैं कि किसान लोकल मनी लेंडर से लोन ना लें और उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आसानी से अवेलेबल हो, मतलब बैंक और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से किसानों को आसानी से लोन मिल जाए, ये इंश्योर करने की सरकार ने भरपूर कोशिश की है। लक्ष्य ये है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर 6 करोड़ से ज़्यादा किसानों को कवर किया जाए। डायरेक्शंस दी गई हैं स्टेट्स को और बैंकों को, अगर कोई किसान किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए अप्लाई करता है तो उसे 15 दिनों के अंदर अंदर किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाए। और हाल ही में अभी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक फैसला लिया, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा आदेश दिया गया है बैंकों को, 3 लाख तक का लोन अगर किसान अवेल करवाता है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत तो डॉक्यूमेंटेशन फीस या फिर प्रोसेसिंग चार्जेस, ये सब चार्जेस किसान से ना लिए जाएं। फिर से बोलता हूँ, 3 लाख तक का किसान अगर लोन लेता है बैंकों से तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं कि 3 लाख तक के लोन पर किसानों से डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस या फिर प्रोसेसिंग चार्जेस, दूसरी तरह के चार्जेस ना लिए जाएं। लास्ट में आशीष भूटानी कंक्लूड करते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की जो एवरेज एनुअल इनकम है वो किसानों की एवरेज इनकम्स की अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान स्कीम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की इनकम को बहुत सपोर्ट करेगी फसलों की कटाई के बाद, ये एक गेम चेंजर की तरह है। 2019-20 में इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में खर्च आएगा 1 लाख करोड़, और 2018-19 क्योंकि 1 दिसंबर 2018 से ये स्कीम लागू हो गई है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में खर्च आएगा 12 करोड़ 50 लाख रुपये। तो ये हमने व्यूज़ जाने आशीष भूटानी के, जो कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब नेक्स्ट हम व्यू जानते हैं तथागत सतपथी के। तथागत सतपथी ये कहते हैं इलेक्शन से ठीक पहले ये स्कीम लॉन्च करके सरकार ने एक प्रकार से सिग्नल दिया है किसानों को कि मुझे वोट दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, यानी वोट के लिए पैसा बांटने की नीयत को रिप्रेजेंट करती है ये स्कीम जो इलेक्शन से ठीक पहले लॉन्च की गई है। देखो फार्म क्राइसिस हैं अभी फिलहाल हमारे देश में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और ये भी हम नहीं कह सकते कि प्रेजेंट गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। पिछले 70 सालों में विभिन्न गवर्नमेंट्स जो हमारे देश में आई वो सब जिम्मेदार हैं आज किसानों की हमारे देश में जो दुर्दशा हो रही है। हमारे देश में विभिन्न सरकारें जो आई उन्होंने ज़्यादा फोकस किया कॉरपोरेट लॉस पर, कॉरपोरेट ग्रुप्स को बहुत सारी एग्जम्पशंस दी गई और किसानों को छोड़ दिया उनके हाल पर। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनको फेल होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने उनको रिफंड भी किया, लेकिन किसानों के लिए उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ खास नहीं कर सकी विभिन्न सरकारें। और अब ये स्कीम जो चलाई गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, ये स्कीम भी कुछ खास नहीं कर पाएगी क्योंकि इसमें फार्मर्स को जो इनकम सपोर्ट दिया जा रहा है बहुत ही कम है, 6,000 रुपये एक साल में। इतना तो देखो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर किराए पर ट्रैक्टर करके लाता है तो उस ट्रैक्टर में डीजल का खर्चा आ जाता है 6,000 रुपये एक साल में, तो इससे क्या तो इनकम सपोर्ट होगी फार्मर्स की। दूसरा, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखा गया है इस स्कीम को लॉन्च करते वक्त। हमारे देश में लैंड सेटलमेंट भी अभी फिलहाल ठीक से नहीं हुआ है। लैंड सेटलमेंट मतलब कौन सा लैंड प्राइवेट है, प्राइवेट है तो किसके नाम पे है, कौन सा लैंड स्टेट का है यानी गवर्नमेंट का है, तो इस प्रकार की चीज़ों को अच्छे से डिमार्केट अभी हमारे देश में नहीं किया गया है, खास करके कई सारे स्टेट्स में, फॉर एग्जाम्पल यूपी में, बिहार में। तो बहुत सारे क्लेम्स आएंगे, गवर्नमेंट बोलेगी ये ज़मीन हमारी है, फार्मर्स बोलेंगे छोटे छोटे ये ज़मीन हमारी है, तो बेनिफिशरीज़ को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और बेनिफिशरीज़ को रिकॉग्नाइज कर भी लिया गया तो टीनेंट्स या फिर शेयर क्रोपर्स जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, दूसरों की ज़मीन पर जाके वो खेती करते हैं और बदले में कुछ अपना क्रॉप की पैदावार में हिस्सा ले लेते हैं, उनको नहीं शामिल किया गया है इस स्कीम के बेनिफिशरीज में, तो ये भी एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लास्ट में तथागत सतपथी के द्वारा ये कहा जाता है
देखो आज का भारत न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया चाहता है किसानों को मॉडर्न इरिगेशनल फैसिलिटीज दी जाएं। न्यू इंडिया चाहता है किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाए जाएं, उनको साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल नॉलेज दी जाए। न्यू इंडिया ये चाहता है कि कॉस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के समय में होनी चाहिए। न्यू इंडिया ये चाहता है किसानों को अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाए और इनपुट्स किसानों को प्रोवाइड किए जाएं सस्ते दामों पर। न्यू इंडिया फ्रीबीज नहीं चाहता, तो सरकार को फ्रीबीज प्रोवाइड करने के बजाय रियल एक्शन लेना चाहिए था ताकि लॉन्ग टर्म में किसानों को फायदा होता। तो ये हमने बात की तथागत सतपति की, जो कहते हैं किसानों को 6,000 रुपये 1 साल में दिए जाएंगे तो इससे उनको फायदा नहीं होगा। अब तीसरे नंबर पे हम व्यू जानते हैं योगिंदर अलग के। इनका ये कहना है, देखो गवर्नमेंट का लक्ष्य ये है 2022 से पहले पहले किसानों की इनकम को डबल करना, लेकिन अभी सरकार ने ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम जो लॉन्च की है, इससे तो एक बात ये जाहिर होती है कि सरकार जो एफर्ट्स लगा रही है किसानों को कि इनकम को डबल करने के लिए, उन एफर्ट्स पर सरकार को भरोसा नहीं है। तभी सरकार ने स्पेशल ये 6,000 का डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देने का ऐलान किया है। अगर सरकार को अपने फैसलों पर भरोसा होता जो इन्होंने लिए हैं किसानों की इनकम को डबल करने के लिए, तो वो ये स्कीम चलाते ही नहीं। दूसरा एक अच्छी बात ये है, जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला जा रहा है, लैंडलेस लेबरर्स यानी टीनेंट्स इंक्लूडेड नहीं है इस स्कीम में, ये बात गलत है। एग्रीकल्चर सेंसस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने लैंडलेस लेबरर को एक कैटेगरी माना है, और फाइनेंस सेक्रेटरी का भी यही कहना है कि जो लैंडलेस लेबरर होते हैं वो अपने छोटे से प्लॉट पे तो खेती करते हैं, जिन्हें आप कह सकते हो किचन प्लॉट्स, एटलीस्ट वहाँ पे वो कल्टीवेशन करते हैं, इसलिए वो भी मार्जिनल फार्मर हैं, वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो ये एक अच्छी बात है जो कि क्लेरिफाई की गई है फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा। देखो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को राहत पहुंचानी थी, ये बात तो तय है, क्योंकि हमारे देश में स्मॉल और फार्मर मार्जिनल फार्मर्स की संख्या जो है वो टोटल फार्मर्स की 2/3 है, यानी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टोटल फार्मर्स में से 66% के आसपास हैं, लेकिन वो सिर्फ 40% के आसपास खेत की जुताई करते हैं, यानी एरिया कम है संख्या ज़्यादा है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की। हमारे देश में दूसरे इंडिविजुअल्स की एवरेज इनकम पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, लेकिन किसानों की जो एवरेज इनकम है पिछले कुछ सालों में नहीं बढ़ी है, बल्कि कुछ आंकड़े तो ये भी कहते हैं एवरेज इनकम जो है किसानों की पिछले कुछ सालों में बढ़ने के बजाय कम हुई है। उस लिहाज से देखें तो ये स्कीम बिल्कुल सही है, और 2 साल पहले जब अरविंद सुब्रमण्यम ने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया था तो उन्होंने भी इसी प्रकार के आइडिया का समर्थन किया था, रूरल वर्कफोर्स के लिए किसी बेसिक इनकम का प्रोविजन किया जाए। तो उस लिहाज से ऐसा लगता है सरकार ने अरविंद सुब्रमण्यम के आइडिया को अडोप्ट किया है, लेकिन देखना ये होगा आने वाले कुछ सालों में कितना फंड एलोकेट करती है सरकार इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और कुछ सरकार के नुमाइंदे ये भी कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी प्रोविजन है, सरकार धीरे धीरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में ताकि किसानों की इनकम रियल मायनों में डबल की जा सके। लेकिन राइटर कहते हैं देखो अब ये चीज़ हमारे देश में परमानेंट रहेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप फ्रीबीज की शुरुआत तो कर सकते हो, लेकिन फ्रीबीज को हटाना किसी भी लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से किसानों को फायदा होगा या फिर नहीं होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अफगानिस्तान में पीस इस्टाब्लिश करने में ईरान के रोल के बारे में है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक बात तो साफ है, USA जल्द से जल्द अपनी मिलिट्री को अब अफगानिस्तान से वापस बुलाना चाहता है, और इसी वजह से USA के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अब वो डायरेक्टली तालिबान से बात कर रहे हैं ताकि USA अपने फेस को सेव कर सके और ठीक ठाक हालत में अफगानिस्तान को छोड़ के जा सके। आर्टिकल में कहा जाता है अफगानिस्तान में पीस रहेगी या फिर नहीं रहेगी तालिबान के अलावा इस बात पे भी डिपेंड करता है जो पीस सॉल्यूशन है उसको बाकी रीजनल स्टेक होल्डर्स के द्वारा किस हद तक सपोर्ट किया जाता है, और रीजनल स्टेक होल्डर्स में ईरान की जो पोजीशन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है। देखो सभी रीजनल जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना,
रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान, सभी चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर शांति आए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है तो इसका सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट बाकी देशों पर भी देखने को मिलता है। तो यूएसए को साथ लेना चाहिए ईरान का इस मुद्दे पर। 2001 में जब यूएसए ने हमला किया था अफगानिस्तान के ऊपर और तालिबान को सत्ता से हटा दिया था, तो उस समय जो पीस सॉल्यूशन निकल के आया था उसका समर्थन किया गया था ईरान के द्वारा, और हमिद करजई को उस समय राष्ट्रपति बनाया गया था जिसका समर्थन किया था ईरान ने। इवन देखो 2014 से 2016 के बीच 6+1 टॉक्स ऑर्गेनाइज हुई थी अफगानिस्तान में पीस एस्टाब्लिश करने के लिए, और उन टॉक्स में भी ईरान शामिल था। लेकिन अमेरिका और ईरान के रिश्ते जब खराब होते हैं तो इसका सीधा सीधा असर अफगानिस्तान में भी देखने को मिलता है। जैसे देखो 2005 में जब यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर, तो उस समय ईरान को ये डर लगने लगा था कहीं अफगानिस्तान की धरती का यूएसए इस्तेमाल ना कर ले ईरान में इंटरवेंशन के लिए। लेकिन उस समय अफगानिस्तान की सरकार के द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया था कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, यूएसए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं करेगा ईरान में मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए। लेकिन पिछले 1-2 सालों में क्या हुआ है, ईरान जो है वो डायरेक्टली तालिबान से बात करने लगा है, ईरान डायरेक्टली तालिबान से बात करने लगा है, और इस बात का पता भी है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को। तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने अब ईरान के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि यूएसए में अफगानिस्तान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ईरान के द्वारा तालिबान को हथियार दिए जा रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है। लेकिन ईरान इन आरोपों से इनकार करता है। ईरान को यह डर है कल को अगर तालिबान सत्ता में आ जाता है तो हमारे तालिबान के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, इस वजह से ईरान जो है वो तालिबान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। आर्टिकल में ये कहा जाता है इंडिया देखो एक ओनेस्ट ब्रोकर की भूमिका निभा सकता है। अगर अफगानिस्तान में पीस आती है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट देखो इंडिया पर होगा। अगर पीस आती है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, अगर इंस्टेबिलिटी आती है तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर अफगानिस्तान में जो भी सॉल्यूशन निकल के आता है उस सॉल्यूशन में ईरान को भी शामिल किया जाता है तो इंडिया की काफ़ी सारी एस्पायरेशंस पूरी होंगी, जैसे छबार पोर्ट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये सभी प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल होंगे अगर अफगानिस्तान में पीस सॉल्यूशन में ईरान का रोल होता है तो। इवन ईरान की जो लोकेशन है, लोकेशन भी देखो ईरान की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो ईरान जोड़ता है सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया को, तो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है। और जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत से ऑयल शिप्स जो हैं यहाँ से गुजरते हैं, वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में तेल लेके जाते हैं, तो इस वजह से भी ईरान का अफगानिस्तान में पीस सॉल्यूशन में शामिल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया को कोशिश ये करनी चाहिए कि यूएसए समेत दूसरे कंट्रीज को समझाया जाए, खास करके यूएसए को, क्योंकि चाइना, रसिया, इन देशों को कोई दिक्कत नहीं है ईरान को अफगानिस्तान के पीस सॉल्यूशन में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर इंडिया यूएसए को समझा पाने में कामयाब हो जाता है तो इससे इंडिया को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस में ईरान के रोल के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने तीन इश्यूज डिस्कस किए। सबसे पहले हमने इशू डिस्कस किया तीन इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस में इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में। दूसरे नंबर पे हमने ये डिस्कस किया क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से किसानों को फायदा होगा या फिर नहीं होगा। तीसरे नंबर पे हमने अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में ईरान के रोल के बारे में डिस्कशन की। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।